समझ आई है कि रिलीफ मांगने तो आई थी सुन्नी इतिहाद काउंसिल और उसको सपोर्ट किया दूसरी पिटीशन जो कमल शोजब साहिबा की थी। पीटीआई तो फरीक नहीं था मुकदमे ने और ना ही पीटीआई ने ये सीट्स क्लेम की। क्लेम था सुन्नी इतिहाद काउंसिल का, उसको यकसर परे कर दिया गया क्योंकि जो आइनी स्कीम है वो बहुत क्लियर है। ये एक ऐसा काम था जो कि वो सारे अराकीन असेंबली कर चुके थे, जो अब रिवर्स नहीं था हो सकता, इररिवर्सिबल था कि वो अपने डेक्लरेशंस दे के पार्लियामान में बैठे हुए हैं और ये मुमकिन नहीं था उनके लिए। लेकिन जो बादी नज़र में रिलीफ दिया गया है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दे दिया गया, जो कि ना तो दरख्वास्त गुजार हैं, ना उन्होंने ये रिलीफ मांगा, ना उन्होंने ये तकाजा किया। और कानून का ये भी मंशा है कि सुप्रीम कोर्ट जब 185 में जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान किसी केस का जायजा लेती है तो अदालत उन प्लीडिंग्स की हद तक ही महदूद होती है आमतौर पे, जो कि लोअर कोर्ट से उन तक पहुंचती हैं।